हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, मैंने आपको बताया कि अगर हम सिविल इंजीनियर हैं और तो हमें क्या लगता है कि साइट ही हमारे पास एक ऑप्शन है। साइट का अगर हमें मिल गया तो हम लोग साइट पर ही कंटिन्यू करेंगे अपने जॉब को, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। साइट ही केवल एक ऑप्शन नहीं है सिविल इंजीनियर के पास, सिविल इंजीनियर के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियर कौन कौन से ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं और साइट जैसी हैटिक जॉब मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है। कई दोस्त मुझे बताते हैं कि यार मुझे दो दो दिन हो जाता है साइट पर, जब स्लैब पड़ता है रात को 2 बजे मैं घर पर आता हूँ तो मेरी कैसे चलेगी आगे की लाइफ। तो उन सभी लाइफों के लिए हम लोग किस तरीके से हम लोग किस छुटकारा पा सकते हैं अपने साइट इंजीनियर के हैटिक जॉब से, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे साइट इंजीनियर से बचने के लिए सबसे अच्छी प्रोफाइल है डिज़ाइन इंजीनियर की। किसकी? डिज़ाइन इंजीनियर की। बहुत ही कंफर्टेबल जॉब होती है, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से आपको कोई एक स्किल्स ऐड करनी है अपने अंदर और उस स्किल्स के थ्रू आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो। आप बोलोगे किस तरह की स्किल्स है, तो मैं आज आपको स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने सिंपल ऑटोकैड अगर अच्छे से सीख लिया है, ऑटोकैड अच्छे से सीख लिया है, तो आप एज अ ड्राफ्टमैन इजीली कहीं पे भी 12 to 16,000 आराम से अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करके आप 10-15 हज़ार रुपये वहाँ से अर्न कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास ऑटोकैड और रेविट दोनों का नॉलेज है तो आप इजीली ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग करके बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हो। साथ ही साथ कंपनियों में इजीली 20,000 रुपीज़ की मिनिमम जॉब अर्न कर सकते हो। बट हाँ, अब इसे बात आती है कि थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे? पोर्टफोलियो आप एक बनाओ, कम से कम 10 मॉडल बनाओ, 10 मॉडल का पोर्टफोलियो बना के किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो वहाँ पे दिखाओ कि यस देखिए सर, ये मुझे ये इस तरीके का काम आता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। और उसके बाद अगर आपको रेविट सीखा है आपने, तो रेविट के साथ अगर आप स्केचअप सीख लेते हैं तो बहुत ही वेल एंड गुड होता है, क्योंकि स्केचअप में आप इंटीरियर कर सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जॉब भी सिविल इंजीनियर कर सकता है, तो आपके पास एक प्रोफाइल भी हो गया कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के। अगर आप बोलते हो नहीं सर ये सिविल इंजीनियर का काम नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिविल इंजीनियर का काम नहीं, सिविल इंजीनियर हर एक काम कर सकता है इस तरह के। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप स्ट्रक्चर में चले जाओ, कैसे? स्टैट प्रो या ETABS में से कोई एक सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख लो। ETABS और स्टैट प्रो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के एनालिसिस करते हैं, मैंने वीडियोस दिखाया हुआ है आपको, लिंक में वीडियो मिल जाएगी डिफरेंस का स्टैट और ETABS में। उन वीडियोस को देख के आप इजीली सीख सकते हो कि हमारे इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और आप एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर कहीं पे भी लग सकते हो। लेकिन इसके साथ आप ध्यान रखना, अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो IS कोर्स और मैनुअल डिज़ाइन ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ CFO, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन का दोस्तों, अगर इसका नॉलेज तो आप इजीली स्ट्रक्चर इंजीनियर कहीं बन सकते हो। तो आपके पास कितनी प्रोफाइल आ गई, अगर आपने ऑटोकैड सीखा है तो आप कहीं पे भी ड्राफ्टमैन लग सकते हो, ऑटोकैड और रेविट सीखा तो 3D मॉडुलर करके आपकी प्रोफाइल हो सकती है कहीं पे भी। अगर आपने स्टैट्रो और ETABS या ऑटोकैड अच्छे से सीखा है तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर कहीं पे भी बन सकते हो। अगर आपने क्वांटिटी सर्वे सॉफ्टवेयर सीखा है और आपके पास एस्टिमेशन का अच्छा नॉलेज है तो आप एस्टिमेशन इंजीनियर अच्छे से कहीं पे भी बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इन सब प्रोफाइल में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सिविल 3D सॉफ्टवेयर सीख लो। सिविल 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सर्वे की प्रोफाइल्स में जा सकते हो और आप अच्छे खासे सर्वे इंजीनियर्स बन सकते हो, ठीक है। सिविल 3D के भी हम लोग जा सकते हैं, और सिविल 3D के बाद और भी बहुत से ऑप्शन हैं। अगर मैं बात करूँ टेक्ला की, तो टेक्ला का कम्प्लीट कोर्स आप ले सकते हो, मेरे ऑनलाइन बैचेस हैं उसके लिए, तो आप टेक्ला का कम्प्लीट कोर्स ले सकते हो। टेक्ला के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्ला डिटेलर, टेक्ला एडिटर और टेक्ला मॉड्यूलर, इस तरह के 3 प्रोफाइल है जिसमें एक हाई रेंज में पैसे अर्न कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे भी आपके पास एक प्रोफाइल होती है जिसमें आप कई तरीके की कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब भी सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है, बस उसके लिए आपको कम से कम RS करना को अच्छे से आर एस कुर्मी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, गुप्ता को अच्छे से प्रीफर करना पड़ेगा। अगर आप उसके प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट आजकल गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सी हैटिक हो गई क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है दोस्तों। इसके बाद आप अगर दूसरे प्रोफाइल की बात करो तो हम लोग कौन कौन सी प्रोफाइल में जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग 3ds Max सीख सकते हैं। 3ds Max का फुल फॉर्म होता है 3D Studio Max। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। इससे रेंडरिंग, इसमें वीरे होता है, वीरे का प्लगइन होता है जो बहुत ही रियलिस्टिक व्यूज़ आपको देते हैं एक्सटीरियर डिजाइनिंग के और इंटीरियर डिजाइनर के लिए। तो आप इवन केवल 3ds Max और AutoCAD सीख के भी आप अच्छे प्रोफाइल पे कंपनीज में लग सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि आपने सिविल कर लिया तो साइट पे ही आपकी केवल जॉब है,
इसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग के कई कोर्सेज होते हैं लाइक मास्टर्स के, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग करके और MSP जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर या प्राइमेरा जैसे सॉफ्टवेयर सीख के प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में भी आप लग सकते हो। तो आपके पास एक प्रोफाइल किसकी होगी, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए होगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में अच्छा प्लान आता है कि आप अच्छे अच्छे प्लानिंग कर सकते हो, तो आप प्लानर इंजीनियर के रूप में भी कई प्रोफाइल्स होती हैं, आप प्लानर इंजीनियर के रूप में भी लग सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने लगभग 8 या 9 प्रोफाइल्स बताए जिसमें आप इजीली अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप साइट पर जाके फुल टाइम अपना वहाँ पर डेडिकेट करो, आप ऑनलाइन भी इस काम को कर सकते हो। ऑनलाइन आपके पास upwork.com, fiverr.com, freelancer.com कई साइटें हैं जहाँ पे आप इजली ये प्रोसेस लेके कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको 3D मॉडल बनाना आता है, अच्छी प्लानिंग करनी आती है, तो आप आराम से कई साइटें हैं जिनके थ्रू आप अपने 3D मॉडल को सेल कर सकते हो। तो घर पे बैठ के आप मॉडल को सेल करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब किया है भाई लाइक करो, जिसने लाइक किया भाई शेयर करो, और शेयर करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो तो मैं आपको जो और भी मेरे पास नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्योंकि 5 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ जो मैं इन सब पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आपको इसके लिए भी कॉन्टैक्ट करना है तो आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको जितना हो सकता है मैं फुल हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।